हेलो फ्रेंड, मैं सरिता अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आशा है कि आप सब खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। आज हम मलाई कोफ्ता बनाने वाले हैं। वेट, मलाई कोफ्ता का नाम सुन के आप घबराइए मत कि ये बहुत ही झंझट भरा डिश है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने वाली हूँ। घर में जो भी अवेलेबल सामान है हम उसी से बनाएंगे। चलिए फ्रेंड, इसे हम बनाना शुरू करते हैं। इस मज़ेदार सी रेसिपी को झटपट बना के तैयार करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए फ्रेंड, इसे हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रेवी तैयार करने के लिए हम एक कटोरी में पॉपी सीड्स ले लेंगे, जिसे पोस्तादाना भी कहते हैं। 2 टीस्पून पॉपी सीड्स है। इसके बाद ये 8 से 10 काजू है, और गर्म पानी में इसे हम फूलने के लिए आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। इसे साइड में हम रख देते हैं। इसके बाद एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे, उसमें हम ये पनीर, देखिए 200 ग्राम पनीर है, घर का बना हुआ पनीर है। आप चाहे तो मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। इसे एक ग्रेटर की मदद से इस तरह से ग्रेट कर देंगे ताकि इसमें कोई लम्प्स ना रह पाए। इसके बाद देखिए 200 ग्राम पनीर में 3 बॉयल आलू है, मीडियम साइज़ के आलू है। इसे भी इस तरह से हम ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर देंगे। आलू में कोई लम्प्स ना रह पाए इसलिए इसे ग्रेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद ये देखिए घर का बना हुआ खोआ है। आप चाहे तो बाज़ार वाला भी खोआ ले सकते हैं या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये डालने से थोड़ा मीठापन आता है, जो कि काफ़ी टेस्टी और रिचनेस बढ़ाता है इस रेसिपी का। ये डालने के बाद इसमें हम ऑल पर्पस मैदा डाल देंगे और एकदम सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि आलू और पनीर, इसे पानी रिलीज़ हो जाएगा, जिससे कि अच्छे से डो तैयार हो जाएगा। मिलाने के बाद इसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे और ये मिर्च, तीखा आप जितना पसंद करते हो उस हिसाब से मिर्च आप डाल दीजिएगा, कम ज़्यादा क्वांटिटी कर सकते हो। और अच्छे से हम मिला के इस तरह से सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। अब ग्रेवी बनाने के लिए देखिए एक मिक्सी जार हम ले लेते हैं। इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर है, इसे रफली काट के इस तरह से हम डाल देंगे। अगर छोटा टमाटर हो तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। इसके बाद 2 मिर्च, तीखा आप जिस हिसाब से पसंद करते उस हिसाब से। और ये देखिए मज़ेदार पेस्ट बना के हमने तैयार कर लिया। इसी मिक्सी जार में हम जो पोस्तादाना और काजू को हमने पहले से भिगो के रखा था उसे भी डाल देंगे। इसका भी हम एकदम फाइन प्यूरी बना के तैयार कर लेंगे। इस तरफ देखिए हमारा ये डो भी एकदम परफेक्ट हो चुका है, अच्छे से सेट हो चुका है। स्टफिंग करने के लिए हमने थोड़ा सा काजू और किशमिश ले लिया है। आपके पास जो अवेलेबल है ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं। अब इसे इस तरह से गोल गोल बना लेंगे, बीच में स्पेस बनाते हुए थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और अच्छे से स्टफिंग कर लेंगे। स्टफिंग करने के लिए आप कोई और भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, लेकिन किशमिश इसमें ज़रूर डालिएगा, क्योंकि मीठा फ्लेवर आता है जिससे कि रिचनेस बढ़ता है और बहुत ही मज़ेदार लगता है। इसके बाद इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप या फिर गोल गोल आपको जो पसंद हो उस तरह से आप बना लीजिएगा। सारे कोफ्ते बना के हम स्टफिंग करके तैयार कर लेंगे। पहले इसी तरह से सारे स्टफिंग कर लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड, सारे कोफ्ते हमने बना के तैयार कर लिए। इसके बाद एक कढ़ाई चढ़ा लेंगे। कढ़ाई में हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे। ये रेसिपी आप रिफाइंड ऑयल में ही बनाइएगा, सरसों तेल बिल्कुल भी नहीं दीजिएगा। मीडियम टू हाई हीट पर इसे हम मीडियम टेम्परेचर पर गर्म करेंगे। इसके बाद इसमें एक एक करके कोफ्ते डाल देंगे। कोफ्ते को आराम से पलटिएगा, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, जल्दबाजी में ये टूट भी सकता है, इसीलिए एकदम धीरे धीरे पलटेंगे और चारों साइड से ब्राउन होने तक इसे अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए ठीक इस तरह से हो जाना चाहिए। इसी प्रकार जो बचे हुए कोफ्ते हैं उसे भी हम फ्राई करके निकाल लेंगे। इसके बाद बचे हुए ऑयल में हम जीरा, तेजपत्ता, लौंग 2 और 2 इलायची डाल के अच्छे से चटकने देंगे। इसके बाद जो टमाटर का प्यूरी हमने बना के रखा था वो डाल देंगे। इसे 3 से 4 मिनट हम पहले भून लेंगे अच्छे से। इसके बाद इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे 1 टीस्पून धनिया, तीखा आप जितना पसंद करते हो उस हिसाब से मिर्च डाल दीजिएगा, और 1/2 टीस्पून हल्दी। इसमें ज़्यादा मसाले भी डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसे अच्छे से हम भूनेंगे जब तक कि तेल सेपरेट ना हो जाए। जब इस तरह से हो जाए इसके बाद जो हमने काजू का और पोस्तादाना का जो पेस्ट बना के रखा था वो डाल देंगे। पेस्ट को वेस्ट नहीं करना है, इसलिए इसमें मिक्सी जार में थोड़ा सा पानी डाल के और सारा हम यूज़ कर लेंगे पेस्ट को।
ठीक इस तरह से। ऐसे हम तब तक भुनेंगे जब तक कि तेल अच्छे से सेपरेट ना हो जाए। किसी भी रेसिपी को बनाने के लिए इसके ग्रेवी को भुनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये देखिए तेल इस तरह से सेपरेट हो जाएगा, यानी कि ये परफेक्ट हो चुका है। अब 1 से 2 मिनट इसे और हम भुनेंगे। एक बार आप ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा इस रेसिपी को, और कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और बिना लहसुन प्याज के हम बनाते हैं इसे, और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। एक बार ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए फ्रेंड, जब इस तरह से हो जाए, एकदम तेल सेपरेट हो जाए और अच्छे से ये भुन जाए, इसके बाद इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी डालते समय आप थोड़ा सा पतला ही इसका ग्रेवी कीजिएगा, कि ये ठंडा होने के बाद भी ठीक होता रहता है। पॉपी सीड्स डालने की वजह से ये थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। और इस तरह से उबाल आ जाए तब तक उबालिएगा जब तक कि इसका झाग चारों साइड से ख़त्म हो जाना चाहिए। परफेक्ट तरीके से ये उबल गया है। अब गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। इसके बाद जो कोफ्ता हमने बना के तैयार किया था वो डाल देंगे। गैस बंद करने के बाद ही कभी भी कोफ्ता डालिएगा, गर्म में कोफ्ता डालने के बाद वो टूट जाते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और इस तरह की मज़ेदार रेसिपी देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा। इसके बाद 1 टीस्पून देसी घी डाल दीजिएगा, और साथ ही मलाई, घर का फ्रेश दूध में से निकला हुआ मलाई है, ये आप जितना चाहे उतना भर भर के डाल सकते हैं। इसमें कोई मेजरमेंट नहीं है, क्योंकि ये मलाई कोफ्ता है तो स्वाभाविक सी बात है कि मलाई इसमें होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और जितना भी हो उतना टेस्टी ही लगता है। इसके बाद इसे हम इस तरह से मिला लेंगे आराम से। ध्यान रहे कि कोफ्ता टूट ना पाए। अब प्लेटिंग कर लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड, मज़ेदार सी रेसिपी बनके तैयार है, और कितने आसान तरीके से मैंने बताया है। यदि आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। और इस तरह से गार्निशिंग कर लेंगे हम मलाई से। अब मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।